नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, टर्म प्लान एक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बीमा प्लान माना जाता है, लेकिन प्रायः यह देखने में आता है कि बीमा कंपनियों द्वारा अक्सर करके टर्म प्लान के क्लेम को मना कर देती है। आप देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे तो 90% 95% किसी किसी कंपनी के 97% तक होता है, यानी 90% 95% तो जाहिर सी बात है कि 4 से 5% या 10% जो भी हो वो मना तो किया जा रहा है। तो क्यों मना किया जा रहा है, हम आज उसके कारणों की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से टर्म प्लान में कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है। सबसे पहली चीज़ तो हम जानते हैं कि मित्रों टर्म प्लान होता क्या है। वास्तव में मित्रों लाइफ इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान सबसे सही बीमा प्लान होता है। बाकी जो दूसरे बीमा प्लान होते हैं जैसे एंडोमेंट होता है, मनी बैक होता है, चाइल्ड होता है, वो सबके सब महंगे बीमा होते हैं और उसका जो रिटर्न मिलता है उसका रिटर्न भी बहुत ख़राब होता है। ओवरऑल जो सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर के जितने का हमें सम एश्योर्ड चाहिए वो सम एश्योर्ड उन प्लानों से हमें नहीं मिलता है। तो टर्म प्लान से कम प्रीमियम में ज़्यादा इंश्योरेंस मिल जाता है। एक जानकारों की राय माने तो जो भी हमारी सालाना इनकम होती है उस इनकम का 15 से लेकर के 20 गुना के बराबर टर्म प्लान लेना चाहिए। या मंथली इनकम की बात करें तो मंथली इनकम जितनी भी हो उसका कम से कम 100 गुना, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की इनकम 30,000 रुपया है पर प्रति माह की तो कम से कम 30 लाख का उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। उसका आशय यह होता है कि उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता वो नहीं रहता है, तो वो जो परिवार उसका उस 30,000 रुपये के महीने पर रह रहा होता है, इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा दे देती है कि उस पैसे को इन्वेस्ट करके FD में, MIS में, किसी RD में या जिस जहाँ से लगातार हमको पैसा मिलता रहे तो उससे पैसा मिलता रहेगा। लेकिन टर्म प्लान कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। किस कारण से रिजेक्ट किया जाता है, सबसे आइए हम इस बारे में चर्चा करते हैं ताकि हम पहले से टर्म प्लान में लेने से पहले हम उसके लिए सतर्क रहें। पहली, यदि पॉलिसी धारक की हत्या हो जाती है और उसमें यह पता चलता है कि उस हत्या में जो नॉमिनी व्यक्ति है उसका कोई भूमिका हो तो उस अवस्था में टर्म प्लान में भुगतान नहीं मिलता। या इसके अतिरिक्त यह भी होता हो कि जो पॉलिसी धारक है वो किसी आपराधिक गतिविधि में भी लिप्त रहा हो। अगला है, अगर शराब पीने से मृत्यु हो जाए, शराब पीने के कारणों से होता है तो तभी बीमा नहीं मिलता है। यदि हमने यह नहीं बताया है कि हम स्मोकर हैं कि नॉन स्मोकर हैं, अक्सर करके होता क्या है कि जैसे भी टर्म प्लान की पॉलिसी होती है हम सब में यस 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 या नो 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 सब में करते जाते हैं। नहीं करना चाहिए, हमको सभी पॉइंटों को पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक कॉलम पूछता है कि स्मोकर नॉन स्मोकर, यदि हम स्मोक करते हैं और नॉन स्मोकर में डाल देते हैं तो क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाता है। अगला है, तीसरा काम, खतरों के खिलाड़ी, यानी यदि हम खतरों का काम करते हैं, जोखिम ज़्यादा लेते हैं तो उस जोखिम वाले में कंपनी उस क्राइटेरिया डिसाइड की रहती है कि फला फला कार्य जो होता है वो जोखिम वाले काम होते हैं, तो उस काम को करने के दौरान मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम सेटलमेंट नहीं किया जाता है। अगला जो है, यदि बीमा लेने से पहले कोई पहले से बीमारी मौजूद हो और उस बीमारी से मौत हो जाए तो बीमा कंपनी मानती उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती है, उसे अब क्लेम सेटलमेंट नहीं करती है। अगला है, यदि बच्चे के जन्म होते वक्त मृत्यु हो जाए तो भी उसको ये बीमा कवर नहीं करते। आठवां जो कारण है, कई बीमा पॉलिसियां ऐसी होती हैं जो आत्महत्या के दशा में समीक्षण नहीं देती है, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां आ गई हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो सुसाइड को भी कवर करती हैं, लेकिन वो सुसाइड का कवर
पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर नहीं होने पर होता है। यानी यदि बीमा लेने के 1 वर्ष के अंदर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसको सम एश्योर्ड नहीं मिलता है। नवा है प्राकृतिक आपदा में मृत्यु। आप लोगों ने सभी ने परेश रावल और अक्षय कुमार वाली फिल्म देखी होगी, ओ एम जी ओ माय गॉड, जिसमें परेश रावल की जो दुकान टूटती है उसमें बताया जाता है कि जो घर गिरता है उस घर का कारण एक टॉप गार्ड है। तो ऐसा कोई भी काम जो एक टॉप गार्ड से हो गया हो तो हमें समय सोड कंपनी देने से मना कर सकती है। इसलिए कभी भी टर्म प्लान में मित्रों गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। टर्म प्लान लेते समय इंश्योरेंस कंपनी जो भी जानकारी चाहती है उसकी पूरी पूरी सही सही जानकारी देनी चाहिए। किसी भी तथ्य को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चल करके कभी कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो उस अनहोनी की अवस्था में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, थोड़ा सा तथ्य छुपाने के उपरांत थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाता है, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा दे देना चाहिए और सही से हमको टर्म प्लान लेना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।